टोयोटा रोमियन ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुकी है एंड इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है बेस मॉडल के लिए 10.29 लाख रुपीज से टॉप मॉडल 13.68 लाख रुपीज तक। सीएनजी में भी गाड़ी ऑफर करा गया है एंड इसकी प्राइसिंग रखी गई है 11.24 लाख रुपीज। यह है तो रिबेस्ड अर्टिगा ही, बट फिर भी ये गाड़ी आपको काफी महंगी फील हो रही होगी क्योंकि दोनों गाड़ियों के बीच में प्राइस डिफरेंस काफी बड़ा है। अर्टिगा स्टार्ट होती है बेस मॉडल 8.64 लाख रुपीज से जो कि टॉप मॉडल 13.8 लाख रुपीज तक जाती है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं 1.6 लाख रुपीज का डिफरेंस है बेस मॉडल में एंड टॉप मॉडल में 60,000 का डिफरेंस है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्टिगा को 4 वेरिएंट्स में ऑफर किया गया है एंड रोमियन को 3 वेरिएंट्स में। रोमियन में आपको अर्टिगा वाला बेस मॉडल नहीं मिलता, बाकी के अपर 3 मॉडल्स मिलते हैं। अब हमें अच्छे से पता है ये गाड़ी है तो रिबेस्ड अर्टिगा ही, बस इसमें डिफरेंस है लुक्स, फीचर्स एंड वेरिएंट्स का। अब अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो इसका कौन सा वेरिएंट आपको प्रीफर करना चाहिए, कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, चलिए यही समझते हैं इस वीडियो में। इसके लिए हमें सारे वेरिएंट्स को देखना पड़ेगा किस वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स ऑफर करे गए हैं, बट वो स्टार्ट करें उससे पहले इस गाड़ी का इंजन ऑप्शन देख लेते हैं। तो इस गाड़ी में आपको एक ही इंजन ऑफर करा गया है 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन जो गाड़ी को 102 हॉर्स पावर डिलीवर करेगी एंड 136.8 Nm का टॉर्क डिलीवर करेगी। 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक में अवेलेबल है और काफी अच्छा माइलेज क्लेम किया गया है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.51 kmpl का एंड ऑटोमेटिक में 20.11 kmpl का। इसके बाद आपको इसमें सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यही सेम इंजन के साथ ऑफर किया गया है सीएनजी भी 1.5 लीटर पेट्रोल। सीएनजी मोड पे ये गाड़ी को 87 हॉर्स पावर एंड 121.5 Nm का टॉर्क डिलीवर करती है। सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है और इसके साथ माइलेज क्लेम किया गया है 26.11 km/kg का। तो अब आपको टोयोटा रोमियन के इंजन, ट्रांसमिशन एंड माइलेज से रिलेटेड डिटेल्स पता है। चलिए अब मूव करते हैं वेरिएंट्स के तरफ एंड पता करते हैं कौन से वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो गाड़ी 3 वेरिएंट में अवेलेबल है, बेस वेरिएंट एस, मिड वेरिएंट जी एंड टॉप वेरिएंट वी में। तो स्टार्ट करते हैं बेस वेरिएंट एस से। ये वेरिएंट आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 10.29 लाख रुपीस का पड़ेगा दिल्ली एक्स शोरूम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 11.89 लाख रुपीस पड़ेगा और सीएनजी के साथ 11.24 लाख रुपीस में। चलिए अब इस वेरिएंट में अवेलेबल सभी फीचर्स को देखते हैं। तो बेस वेरिएंट ई में आपको हैलोजन हेडलैम्प, एलईडी टेल लैंप, टर्न इंडिकेटर ऑन ORVMs, सेकेंड रो 60-40 स्प्लिट सीट विथ वन टच रिक्लाइन एंड स्लाइड, थर्ड रो 50-50 विथ रिक्लाइन फंक्शन, ऑल हेडरेस्ट एडजस्टेबल, फ्रंट एंड रियर केबिन लैंप, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल एसी, सेकेंड रो रूफ माउंटेड एसी विथ 3 स्टेज स्पीड कंट्रोलर, कीलेस एंट्री, एयर कूल्ड ट्विन कप होल्डर इन कंसोल, फ्रंट रो 12W पावर सॉकेट विथ स्मार्टफोन स्टोरेज स्पेस, सेकेंड रो 12W पावर सॉकेट, ऑल पावर विंडोज विथ ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फंक्शन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM, ईच साइड बोतल होल्डर, पेडल शिफ्टर सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में, म्यूजिक सिस्टम विथ टच कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल्स, पावर एंड टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इसके बेस मॉडल में। अब स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स देखते हैं। इस गाड़ी में आपको एज स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, सेकेंड रो ISO फिक्स चाइल्ड सीट, फ्रंट सीट बेल्ट विथ प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स एंड सेंट्रल लॉकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो ठीक ठाक फीचर्स एंड अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। अब मूव करते हैं मिड वेरिएंट जी पे। जी वेरिएंट में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही ऑफर किया गया है, ऐसा इसलिए ताकि लोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए इसका टॉप मॉडल खरीदना प्रेफर करें। इस वेरिएंट में आपको न्यू एडेड फीचर्स मिलते हैं, डुअल टोन अलॉय व्हील्स, वाइपर एंड वॉशर, रियर डिफॉगर, फ्रंट एंड रियर मड गार्ड, क्रोम डोर हैंडल, अब तक बॉडी कलर ही मिल रहा था, मेटालिक वुडन फिनिश ऑन डैशबोर्ड एंड डोर हैंडल्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, डुअल टोन सीट फैब्रिक, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विथ यूटिलिटी बॉक्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन विथ स्मार्ट की, ऑटोमेटिक AC, 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले,
वाले टू ट्विटर्स बेस वेरिएंट में सिर्फ स्पीकर था एंड टोयोटा आई कनेक्ट मिल जाता है जो कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है। एंड सेफ्टी में आपको यहाँ पे बस एक ही अपग्रेड मिलता है, फ्रंट सीट बेल्ट हाइट एडजस्टेबल। इस वेरिएंट में तो अच्छे खासे नए फीचर एड ऑन किए गए हैं। चलिए अब मूव करते हैं इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट वी में और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे मिल जाता है एक्स्ट्रा। वी वेरिएंट ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। मैनुअल वेरिएंट के लिए इसका प्राइस है 12.16 लाख रुपीज एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए इसका प्राइस है 13.68 लाख रुपीज। तो चलिए देखते हैं इन पैसों में क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं इसके टॉप वेरिएंट में। तो टॉप वेरिएंट वी के एडेड फीचर्स हैं लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील विथ मेटेलिक वुडन फिनिश, की ऑपरेटेड ओआर बीएम। मतलब टॉप वेरिएंट में आप गाड़ी के की से ही इसका ओआर बीएम बंद और चालू कर पाओगे, क्रूज कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प विथ फॉलो मी होम फंक्शन। एंड सेफ्टी में आपको यहाँ पर दो अपग्रेड्स दिए गए हैं, साइड एयरबैग मतलब टॉप वेरिएंट में आपको 4 एयरबैग्स मिलेंगे एंड रेयर पार्किंग कैमरा। चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से इसका मिड वेरिएंट जी बेस्ट है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल है और ये कंपनी ने जानबूझ के करा है ताकि लोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए मजबूरन टॉप मॉडल ही खरीदे। और जो टॉप मॉडल्स में एडेड फीचर्स है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए, सारे प्रीमियम फीचर्स हैं क्रूज कंट्रोल को छोड़कर। जिन्हें मैनुअल गाड़ी लेनी है उन्हें तो मिड वेरिएंट जी ही प्रेफर करना चाहिए और जिन्हें ऑटोमेटिक लेनी है वो अर्टिगा की तरफ देखें या फिर इसका टॉप मॉडल ही खरीदें। बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं ये गाड़ी आपको कैसी लगी। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।